बालाजी संस्था द्वारा आयोजित हुआ रक्तदान शिविर 100 से ज्यादा रखा गया है लक्ष्य, 8 साल से किया जा रहा है आयोजित। बालाजी संस्था द्वारा 8 साल की भांति इस साल भी तेजा जी की देवली पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 100 यूनिट से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 8 सालों से संस्था द्वारा ये समाज के हित में कार्य किया जा रहा है। रक्तदान बहुत बड़ा दान बताया गया है, इससे न जाने किसके प्राण बच जाए, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव, मेरे गुरुदेव को भी रक्त की आवश्यकता पड़ी थी, तो उसके लिए मैंने व्यवस्था करवाई। तो किस प्रकार व्यवस्था हुई हम ही जानते हैं। तो रक्तदान, पता नहीं कौन सा रक्त किसके कब काम आ जाए, ये तो सबसे बड़ा दान है, किसके प्राण इससे बच जाए। तो आज युवा पीढ़ी ने जो कार्यक्रम रखा है, आयोजन रखा है रक्तदान का, मुझे बताया, बोले कई सालों से यहाँ चल रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है और होना चाहिए हम सब। और रक्तदान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। विशेषता से जिस प्रकार से शरीर से हम वस्त्र चेंज करते हैं प्रतिदिन, अपनी किसी भी गंदी चीज़ को अपन बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से रक्त, ऐसा नहीं कि दान करने से रक्त वापस बनता नहीं है। अगर शरीर अगर स्वस्थ है तो तुरंत रक्त वापस बन भी जाता है। और इसी प्रकार से मैं तो यही कहूँगा कि सभी युवा पीढ़ी से कि इस प्रकार के आयोजन करते रहें, न जाने किससे, कौन से रक्त से किसके प्राण बच जाए। यही ठाकुर जी की उन सब पर कृपा बनी रहे और इसी प्रकार आयोजन होता रहे। हम तो बड़े प्रसन्न हैं, इस आयोजन में आकर बड़ी प्रसन्नता मिली। हाँ, मैं श्री राम सखा आश्रम पुष्कर नौखंड हनुमान मंदिर का महंत हूँ, महंत नंदराम शरण। बालाजी सेवा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष गुलाबबाड़ी में तेजा जी की देवली के ऊपर रक्तदान का प्रयोजन रखा जाता है। रक्तदान महादान में से एक दान है, जो किसी ज़रूरतमंद को उसके प्राण रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल युवाओं में ये जागृति आ गई है कि वे रक्तदान करें और स्वस्थ और निरोग रहें। इससे शरीर में कई रोगों का विकार भी होता है और एक हफ्ते या 10 दिन के बाद में वो स्वयं महसूस करेंगे कि उनका चेहरे पर कैसी रौनक आती है, एक नया उत्साह प्रज्वलित होता है शरीर के अंदर। और रक्तदान प्रत्येक युवाओं को हर तीसरे महीने में कर सकते हैं, लेकिन साल में 2 बार तो कम से कम जरूर रक्तदान करना चाहिए। यही मेरी सभी युवाओं से निवेदन है, प्रार्थना है कि वे रक्तदान करके और महादान का कार्य करें। ये रक्तदान कितने सालों से कर रहे हैं? ये रक्तदान 8 सालों से प्रतिवर्ष किया जा रहा है और हमेशा 100 के ऊपर ही 3 के आंकड़े तो ये प्राप्त करते ही हैं। और यहाँ जिस तरह आप आज जोर शोर से रक्तदान का प्रयोजन देख रहे हैं, प्रतिवर्ष इसी तरह होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यही मेरी सबसे इन कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इसी तरह प्रतिवर्ष ये रक्तदान का शिविर लगाते रहें और लोक कल्याण में भागीदार बने रहें। आपका नाम? त्रिलोक चंद इंदौरा, नया बड़ा पुलिस लाइन, अजमेर।